हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा पापास किचन। आज अपन बनाते हैं चॉकलेट क्रीमी चीज़ पुडिंग। एकदम मज़ेदार रहता है और आराम से, ये नाम को देख के डर जाना मत, पूरे आप लोग को आराम से चीज़ें पूरे अपने को मिल जाते हैं। तो ये दूसरा ये है कि ये रेसिपी के साथ साथ आप लोग को चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी आप लोग से शेयर करती हूँ, तो आप लोग चॉकलेट गनाश भी सीख लेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप देख के आप लोग एज इट इज़ रेसिपी बना लेके एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। अपन ये चॉकलेट के बिस्किट्स कौन से भी कंपनी के लीजिए आप लोग, चॉकलेट बिस्किट्स को एक 14 बिस्किट्स ली हूँ मैं यहाँ पे, ले लेके पूरे मिक्सी जार में डाल के टुकड़े छोटे छोटे पीसेस करके पूरा अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेना है इसका। चॉकलेट के ही लेना है, चॉकलेट से जो जो अपने को बिस्किट्स मिलते हैं, कौन से भी बिस्किट्स अपन ले सकते हैं इसको। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके ग्राम मिक्सी जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेना है। बना लेके अब इसको अपन जिस बाउल में अपन पुडिंग को सेट कर रहे हैं वो एज इट इज़ डायरेक्टली वो ही बर्तन में अपन ये पूरा चॉकलेट के पाउडर को, बिस्किट पाउडर को डाल दीजिए। डाल दे के अब अपन इसमें डालते हैं 50 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर को 50 ग्राम्स डाल दे के पूरा अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। पूरा अच्छा सा मिक्स कर लेके पूरा अपन सेट करना है इसको, तो 50 ग्राम्स। और दूसरा ये है कि आप लोग को मेजर्स बोलते सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेजर्स अगर कम ज़्यादा हो तो ये पुडिंग बनता नहीं, इसलिए आप लोग मेजर्स भी एज इट इज़ फॉलो करना है और वीडियो को एंडिंग तक स्किप नहीं करें। जैसा देखने से आप लोग को मेजर्स बोलते सो परफेक्ट मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से पूरे अपने बिस्किट पाउडर में मेल्टेड बटर मिलाए थे ना, पूरा इस तरह से पूरा स्प्रेड कर लीजिए। अच्छा सा मिक्स करके स्प्रेड कर लेके पूरा इवन होने स्प्रेड करना। 3 लेयर्स आते हैं अपने इसको, तो पूरा अच्छा सा इक्वल होने अपन स्प्रेड कर लेके फ्रीज़र में अपन इसको सेट कर होने के लिए फ्रीज़र में रख देना है। रख दे बाद अब अपन बनाते हैं चॉकलेट घनाश। इसके वास्ते ऑलरेडी बॉयल हुआ सो मिल्क 250 ml, मीन्स वो बॉयल करके ठंडा हो चुका है वो दूध को लेके 250 ml दूध और 60 ग्राम्स कोको पाउडर और 100 ग्राम्स शुगर, 100 ग्राम चीनी लीजिए और पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। और इसमें डालते हैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। डाल दे के पूरा अच्छा सा एक बार विस्कर से, लम्स नहीं जैसा, पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से पूरा अच्छा सा मिक्स, जब तक कि लम्स न पूरे मिक्स नहीं हो गए बाद ही अपन इसको, ये आप लोग ये ध्यान में रख लेना कि आप, मैं यहाँ पे स्टोव पे ना रखी हूँ, साइड में ही रख लेके पूरे मिक्स कर ली हूँ। अब स्टोव पे रख के लो फ्लेम पे ये पूरा अपने को गाढ़ा हुए तक पका लेना है। लो फ्लेम में ही रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, हाई फ्लेम में भी नहीं रखना है। पूरा अपना प्रोसीजर पूरा अपने को लो फ्लेम में ही होना है। तो देखिए इस तरह से पूरा अच्छा सा थिक कंसिस्टेंसी आए तक अपन इसको अच्छा सा पका लेके अब उसके बाद स्टोव को बंद कर लेना है। बंद करे बाद ही अपन इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल लेना है। बटर डालने से उसका जो चॉकलेट घनाश का जो शाइनिंग रहता है ना, वो शाइनिंग आप अपने को इसमें मिल जाता है। अगर आप लोग को पसंद है तो 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी ऐड कर ले सकते हैं इसी वक्त। स्टोव बंद करे बाद बटर के साथ वेनिला एसेंस यूज़ कर मिला सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी, ऑप्शनल है वो। तो इस तरह से पूरा ठंडे होने के लिए साइड में रख देना है। और दूसरी तरफ अपन वो ठंडे के लिए रख दिए बाद 100 ग्राम पनीर को लेके छेना लेके, ये मैं घर में बनाई सो पनीर है तो 100 ग्राम्स है ये, पूरा मेजर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 100 ग्राम्स पनीर को पूरा इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेके अपन इसको 1-2 बार मिक्स जार में डाल लेके मिक्स कर लीजिए। 1-2 मिनट्स मिक्स कर लिए बाद अब अपन इसमें ऐड करते हैं क्रीम चीज़। अपने को आराम से बाहर सुपरमार्केट्स पे मिल जाता है वो, 100 ग्राम्स लाई हूँ मैं, 100 ग्राम्स क्रीम चीज़। इसको भी पूरा डाल दे के ये दो को मिला के मिक्स करना है।
देखिए इस तरह से पूरा अच्छा सा मिक्स कर लिए बाद इसको साइड में पूरा अच्छा सा फाइन एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर रहना है इसका, इसलिए पहले चाइना को पीस लेना है। उसके बाद ये क्रीम ऑलरेडी स्मूथ स्ट्रक्चर में रहता है, इसलिए चाइना को पहले पीस लेके उसके बाद उसमें अपन ये क्रीम चीज़ डाल के साइड में रख लेना है। उसके बाद अपन ये विप क्रीम बोलते से एक 100 ग्राम ली हूँ मैं क्रीम, 100 ग्राम ऑलरेडी शुगर का क्रीम है ये, शुगर मिला स्वीट क्रीम है ये, इसलिए शुगर डालने की ज़रूरी नहीं। अगर आप लोग फीका डाल रहे तो शुगर ऐड करना है, तो डायरेक्ट अपन मीठा क्रीम लेना है वो उसको विप कर दे के वो 100 ग्राम्स भी इसमें मिला दे के पूरा अपने को स्मूथ स्ट्रक्चर में मिले, सो एक मिक्सचर बनता है अपने को। ये तीन मिक्स करने से एक स्मूथ स्ट्रक्चर का मिक्सचर बनता है, तो एकदम ज़्यादा भी मिठास नहीं, जैसा थोड़ा माइल्ड ही रहता है, क्योंकि नीचे चॉकलेट का लेयर ऊपर चॉकलेट घनाश दो भी स्वीट रहते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा माइल्ड रहना है, तो एकदम परफेक्ट रहता है अपने को ये पुडिंग बोलते से एकदम मज़ेदार बनता है। तो देखिए अब फ्रीज़र में जो अपन सेटिंग के लिए रखे थे वो उसको बिस्किट मिक्सचर को ला के उसके बाद अपन ऐड करते हैं ये अपना चीज़ क्रीम और पनीर व्हिप क्रीम का मिक्सचर जो है ना वो पूरा भी एक लेयर, पूरे 3 लेयर्स आते हैं ये, नीचे बिस्किट का लेयर ऊपर ये चीज़ क्रीम का लेयर, पूरा अच्छा सा डाल दे के पूरा सेट कर दीजिए, पूरा सा अच्छा सा इक्वल होने अच्छा स्प्रेड कर दे के उसको भी इवनली स्प्रेड कर ले के। अब अपन इस पर ऐड करते हैं चॉकलेट गणेश, गर्म नहीं रहना है, ठंडा होना है, ठंडा हुए बाद ही अपन इसके ऊपर पोर करना है, गरम गरम पोर करे तो अपना पुडिंग पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए अपन पूरा ये सेट कर लिए तक अपने को चॉकलेट घनाश बोलते से ठंडा हो जाता है। उसके बाद अपन इस पर ऐड करते हैं चॉकलेट घनाश, ये भी उसके ऊपर पोर कर दीजिए। ये आवल शेप में लेने की ज़रूरी नहीं है, स्क्वेयर ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी। इस तरह से चॉकलेट घनाश को पूरा भी अपन इसको ऊपर पोर कर दे के पूरा अच्छा से एक बार सेट कर दे के टैप कर दीजिए। टैप करें तो अपने को ये चॉकलेट घनाश बोलते से लम्स नहीं रहे जैसा इवनली स्प्रेड होता है, टैप कर दे के अभी अपन इसको सेट करने के लिए 2 to 3 आवर्स रिफ्रिजरेट डीप फ्रीज़र में रख देना है। रख दिए बाद अपन इसके ऊपर डेकोरेशन बोलते सो आप लोग की मर्ज़ी। देखिए लेयर्स आप लोग को ऊपर चॉकलेट का घनाश, बीच में क्रीम चीज़, नीचे चॉकलेट बिस्किट का अपने को लेयर्स, 3 लेयर्स आराम से दिखते हैं। तो 3 आवर्स डीप फ्रीज़र में रख के ऊपर ऐसा बिस्किट्स के साथ मैं डेकोरेट करी हूँ। तो देखिए अच्छा सा अपना पूरा पुडिंग बन के तैयार हो गया है, खाने में तो बढ़िया लगता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर करो, और अच्छे अच्छे टेस्टी हेल्दी क्विक यूनिक डिशेस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो से फिर भी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।